ओ भाई, और नीचे इतने मोटे मोटे पत्थर हैं तो चोट तो लगेगी गाइस। इसको बढ़िया कोई स्पा नहीं हो सकता। कहाँ से आ रहा है? मिनरल वाटर पहाड़ों का पानी तो बढ़िया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज विकी, यू आर वाचिंग विकी टू एक्सपीरियंस। आज है 27 मई, टाइम हो गया सुबह के 7। कल हम पूरा दिन हमें माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लग गया, तो अभी सो के उठने के बाद काफी रिलैक्स फील हो रहा है। और हेयर पैच को वॉश किया है, अब इसको ड्राई कर रहा हूँ। शाम को हमारी ट्रेन है वापसी की, और राहुल और राम जी भी रेडी हो गए। इन्होंने पहले नहा लिया, मैं सबसे लास्ट में नहा रहा हूँ, क्योंकि हेयर पैच को वॉश करना तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो ये लोग तो रेडी हो गए, बस मैं रेडी होता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। सो गाइस रेडी हो गए, हेयर पैच सेट कर लिया, कंडीशनर, ड्रायर और कॉम वॉम करके सीरम भी यूज़ किया है। फिर अब करते हैं चेकआउट, निकलते हैं होटल से और देखते हैं अभी कहाँ जाना होता है। तो गूगल करते हैं, कोई ना कोई प्लेस तो मिल ही जाएगी जम्मू में। देखते हैं जम्मू कटरा में, पटनी टॉप या मानसर लेक। हाँ, जहाँ भी, जहाँ से भी हमें वापस आने के लिए गाड़ी हमें 6 बजे के आसपास छोड़ दे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारी ट्रेन 6:30 बजे की है। हम दोनों का थोड़ा मैचिंग हो गया। मैंने भी लूज टी शर्ट पहन लिया, जींस डाल लिया, राहुल का ब्लू टी शर्ट एंड राम जी का व्हाइट शर्ट। सो लेट्स गो गाइस। ये गाइस धूप आ गई है और देखो व्यू, ये माता रानी के त्रिकुटा पर्वत आपके सामने। हाँ तो गाइस आ गए हैं कटरा बस स्टैंड पे, और पटनी टॉप जाने का प्लान हमने थोड़ा चेंज कर दिया, कैंसिल कर दिया, दूसरी जगह जाएंगे। 6 पॉइंट हमने देखना है तो बुक की हमने टैक्सी। कौन कौन से 6 पॉइंट है राहुल बताओगे? ये हम जाएंगे बाबा घर, धनसर बाबा, सोलो पार्क, चिनाब रिवर, और एक झरना है चिनाब रिवर क्रॉस करके, वहाँ जाएंगे। चलो ठीक है, वन तो बाय वन हो सकता है कि वहाँ झरने पे हम लोग नहाएं भी, तो वो सारा आपको अपडेट देते रहेंगे। चलो वन बाय वन सारी प्लेस देखेंगे और आपको बताएंगे। ये आ गई टैक्सी। सो वी आर इन द टैक्सी एंड द टैक्सी ड्राइवर इज This is Ravi. Hey Ravi, hi. फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, नौ देवी माता का मंदिर है। ये था नौ देवी टेम्पल। कैमरा अलाउड नहीं था, ज्यादा वीडियो नहीं बना पाए। तो दोस्तों अभी रुक गए कुछ खाने पीने के लिए ढाबे पे, यहाँ से खा पी के फिर बढ़ते हैं आगे। ये आगे चपाती, प्याज, अचार, दाल, दही। ये आ गए चिनाब रिवर के दूसरे साइड से, ये ब्रिज के इस साइड आ गए हम लोग, लेफ्ट साइड में। अब सोच रहे हैं राफ्टिंग करें कि नहीं करें, बहुत ज़्यादा चार्ज मांग रहा है, ठंडा है पानी, बड़ा ठंडा है दोस्तों, काफ़ी चिल्ड हो रहा है। करें फिर वो राफ्टिंग, मूड बन रहा है तो बताओ। काफ़ी कलर के पत्थर पड़े हुए हैं, अलग अलग कलर के, ये 4 पत्थर ले लिए, बड़े सुंदर से लग रहे हैं। ओके तो गाइस वाटर राफ्टिंग का मूड बन गया है, काफ़ी बार्गेनिंग के बाद 1500 रुपये माना है 3 बंदों के लिए, तो अभी करेंगे वाटर राफ्टिंग। पानी ठीक ठाक सा है, थोड़ा रेड रेड सा दिख रहा है देखो, बट ठीक है करते हैं, देखते हैं क्या इन्जॉयमेंट होता है। ये है पैडल, एक्साइटेड। वी आर गोइंग फॉर अ रिवर राफ्टिंग, लेट्स सी हाउ इट फील्स। सो गाइस जहाँ हमने राफ्टिंग बुक की है वहाँ से हमें 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा वाटर राफ्टिंग के लिए, तो अभी हमें पीछे लेके जाएंगे। यहाँ थोड़ा गहरा पानी लग रहा है। वाटर राफ्टिंग हो गई है,
कैमरा इन्होंने अलाउड नहीं किया सेफ्टी के चक्कर में, वीडियो आपके लिए नहीं मिल पाया। दोस्तों बड़ा ख़राब से फील हो रहा है क्योंकि जो जिस हिसाब से उन्होंने चार्ज किया है, जो हम सोच रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना एक्साइटमेंट होगा, वो ऐसा कुछ फील आया ही नहीं। सो जो ऋषिकेश वाली है ना वाटर राफ्टिंग, वही बेस्ट लग रही है, वही वाली ट्राई करेंगे। दो जगह पे ठीक ठाक सी वेव्स आई थी, कैमरा इन्होंने अलाउ किया है नहीं सेफ्टी के चक्कर में, और ये लोग खुद का गोप्रो यूज़ करते हैं और उसका चार्ज करते हैं वीडियो का, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अलाउइंग द कैमरा। तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग सिहाल बाबा वाटरफॉल पे, तो वाटरफॉल काफ़ी हाइट से आ रहा है, आप देखना कितना ऊपर से आ रहा है। यहाँ पर लैंड स्लाइड हुए तो नहाया करते थे, क्योंकि जब मैं लास्ट 4-5 साल पहले आया था तो हम लोग वाटरफॉल के नीचे नहाए थे, लेकिन यहाँ पर एक हादसा हो गया था, लैंड स्लाइड हो गया था ऊपर से, ऊपर से चट्टान जो है ना वो लोगों के ऊपर गिर गई, तो 3-4 लोगों की डेथ हो गई थी, तब से ये इन्होंने बैन कर दिया नहाना वाटरफॉल के नीचे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, कितना हाइट से पानी आ रहा है। पानी तो पानी का फ्लो बहुत कम है, इससे भी तगड़ा फ्लो करता है पानी का, फॉल के नीचे खड़े नहीं सकते थे, इतना पानी गिरता था ऊपर, चट्टान गिरी है, टूट गया वो मंदिर, पूरा टूट गया वो, बैन कर दिया ना यहाँ पे, तो देखो ये बने हुए जाने के बने हुए रास्ते, ऊपर बर्फ पिघल के गिर रही है। यहाँ पे मंदिर भी है, कितना खूबसूरत सीन। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, ऊपर से दिखाओ कहाँ से आ रहा है, बाकी पूरा बाहर सूखा हुआ है, मिनरल वाटर इधर से पानी पहाड़ों का, पानी तो बढ़िया है, मिनरल वाटर पी रहे हैं पहाड़ों का, सही है ना पानी, मतलब एकदम लाइट लग रहा है पीने में। देखो पानी कितना ऊंचाई से आ रहा है, और सब जो भी आने जाने वाले सब यहीं से भरते हैं। अभी नहाने का मन हो गया हमारा, नदी में साफ है पानी, अभी नहाएंगे। अब रिवर का नाम है अंजनी रिवर, पानी हो रहा है साफ एकदम। मेरे भाई ने गाड़ी लगा दी, रवि ने धोएगा इसको अभी। कहाँ बोल रहे हो नहाने के लिए, उस तरफ। सो गाइस लेट्स रेडी फॉर द फन, नहाने के लिए रेडी हम लोग, और पानी ठीक ठाक है, इस रिवर का पानी इतना ठंडा नहीं है, स्लीपी हो रहा है। वाओ अरे वाह, हो रहा है। बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों, फुल एंजॉयमेंट। पानी साफ है और ठंडा बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है। तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है, हेयर पैच तो मैं भिगो नहीं रहा क्योंकि सुबह ही आज होटल में वॉश किया था, बट बड़ा मज़ा आ रहा है, पत्थर एकदम खींच के ले आ रहे हैं। आहा फ्लो वाले पानी में नहाने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों ये वरुण दोस्त मिल गया हमको, एक नया सब्सक्राइबर। जय श्री राम। हाँ चलो दिखाओ अपने जलवे। अरे वाह, ओ भाई गजब, ओ क्या हुआ, चोट कहाँ लगी चोट? ये जंप मारने से देखो ये चोट लगी है इनको, और नीचे इतने मोटे मोटे पत्थर हैं तो चोट तो लगेगी गाइस। मैंने बहुत पैर से रखा, मुझे आइडिया था कि शायद लग जाएगी चोट। लगेगी, नीचे प्लेन नहीं है ना, प्लेन होने से बच जाएगा। मैं बहुत तेज कूदा नहीं। ये देखो दोस्तों इतने पत्थर हैं इसके नीचे, ये चुभ रहे हैं हमको पत्थर हैं, देखो ये देखो कितना बड़ा पत्थर है। बहुत मज़ा आ रहा है, और स्पा का मज़ा लिया जा रहा है, इसको बढ़िया कोई स्पा नहीं हो सकता। तो दोस्तों नहा लिया अंजनी रिवर में, काफ़ी मज़ा आया इसमें, आज के दिन में अभी तक का सबसे बढ़िया रहा।
तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं क्या है वहाँ। टिंगोरलीज हम जा रहे हैं, बाबा धनसर। ये मस्त लग रहा है यहाँ पे। ये आ गए बाबा धनसरोवर जी के मंदिर में। ये हमारे टीचर यहाँ भी क्लास लेने लग गए। गाइस यहाँ पे भी नहाने का सिस्टम है, पब्लिक नहा रही है यहाँ पे भी। फ्रूट सैलेड। तो दोस्तों एक लास्ट ये पॉइंट है, जय बुआ कोड़ी का मंदिर है। इसके बाद हम चलते हैं रेलवे स्टेशन, अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। गाइस आज का ट्रिप भी कंप्लीट हो गया है। अभी आ गए हम रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी इवनिंग में ट्रेन है हमारी, एक घंटा बाकी है, 6:30 की ट्रेन है। चलते हैं स्टेशन के अंदर। अभी आ गए ट्रेन में, 6:30 का डिपार्चर टाइम है। फाइनली गाइस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी ट्रिप आपको अच्छी लगी होगी। सो ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हेयर पैस से रिलेटेड एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, जिससे कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। तो ये था हमारा 2 दिन का ट्रिप। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद एंड जय माता दी। ट्रेन बड़ी जबरदस्त लग रही है, गति शक्ति एक्सप्रेस है। ट्रेन का इंटीरियर अलग लग रहा है, एकदम डिफरेंट है। बोतल होल्डर का भी सिस्टम कुछ यूनिक सा है, लाइटिंग है, अभी एसी इवेंट भी दिए हुए हैं, बस थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है। ये डोर सिस्टम भी यूनिक है, स्लाइडर है। ये देखो ये टैप ऐसे ऑन होता है, देखो।